गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर हमीरपुर के गुरुद्वारा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सदर विधायक नेन्द्र ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर लंगर का आयोजन भी किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रसाद ग्रहण किया। गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश सिंह ने बताया कि आज गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर गुरुद्वारा में लंगर का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर गुरुद्वारा में सात संगत द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया। नानक देव जी का 550वां प्रकाश दिवस है और गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा हमीरपुर में इसको बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ साहब पिछले 3 दिन से चल रहा था। आज सवेरे 9 बजे श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ में आपके पड़े और उसके बाद सब कीर्तन और गुरुमत विचार चल रहा है और अभी 1 बजे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ के भोग के उपरांत गुरु का लंगर अटूट बरतेगा। हजारों की संख्या में श्री गुरु नानक देव जी के इस प्रकाश दिवस पे सभी धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोग श्री गुरु नानक देव जी को बहुत ही श्रद्धा और भाव से मानते हैं। इसलिए श्री गुरु नानक देव जी को कहा गया कि वैसे भी कहा गया कि श्री गुरु नानक देव जी सर्वसाझे गुरु है, सबके हिंदू का मान का वीर, सभी लोग बड़े आदर और भाव से मानते हैं श्री गुरु नानक देव जी। और आज इसी खुशी में हमीरपुर जिला के हेडक्वार्टर में श्री गुरु सिंह सभा हमीरपुर में श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है और ये हमीरपुर ही नहीं, पूरे हिमाचल, पूरे पंजाब, पूरे हिंदुस्तान एवं पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि आज के दिन श्री गुरु नानक देव जी का जन्म पाकिस्तान के श्री ननकाना साहिब में हुआ था। इसी खुशी में पूरे विश्व में श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश दिवस मनाया जाता है। वहीं विधायक नेन्द्र ठाकुर ने बताया कि गुरु नानक देव जयंती का पर्व पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि ये पर्व हम सभी को एकता का संदेश देते हैं। गुरु नानक देव की जयंती का पर्व मनाया जा रहा है। गुरु नानक देव जी के बारे में हम सभी जानते हैं, किसी भी धर्म के अगर फाउंडर थे तो गुरु नानक देव जी, और जन्म से लेके जो कर समय था उस वक्त जो लोगों पर अत्याचार होते थे, लोगों को अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए जो उन्होंने अपने काम किया, जो उन्होंने शिक्षा दी है, वे कुछ ही नहीं थे बल्कि भगवान का दूसरा रूप थे। उन्हीं के बताए कर्मों पर आज जो धर्म जो है वो उनका अनुसरण करता है और उसी सिलसिले में आज भी इस शुभ अवसर पर आपको मुझे का मौका दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।